नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को लेकर पहुंच चुका हूं दोस्तों अभी गोपालगंज में, और गोपालगंज में आयशर ट्रैक्टर शोरूम एजेंसी में। दोस्तों आप में से काफ़ी हमारे व्यूअर्स का लगातार कमेंट आ रहा था कि शिवम भाई आप हमें गोपालगंज के ब्लॉग्स में ये दिखाएँ कि गोपालगंज में आयशर जो ट्रैक्टर शोरूम का एजेंसी है वो कहाँ पर है। या फिर मैं दोस्तों आप सभी को अपने इस चैनल पे लगातार आप सभी को दिखाता रहता हूँ कि आप कौन सी गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर शोरूम का मैंने आप सभी को वीडियो दिखाई रखा है, और दोस्तों मैंने आयशर ट्रैक्टर शोरूम का वीडियो आप सभी को नहीं दिखाया था हालांकि गोपालगंज में। बाकी दोस्तों अभी मैं शोरूम में एक्चुअली विजिट किया हूँ, और यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि आप क्या रेट में अगर आयशर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो अभी आप क्या रेट में आयशर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बाकी मैं ट्रैक्टर का थोड़ा सा आपको फीचर भी दिखाऊंगा कि अभी जो न्यू मॉडल जो आयशर ट्रैक्टर आ रही है इसमें क्या कुछ आपको फीचर मिल जा रही हैं। बाकी यहाँ के जो ऑनर हैं, जो सर हैं, मैनेजर हैं, उनसे हम लोग आपको सभी को मिलाने वाले हैं, और हम एक एक गाड़ी को थोड़ा सा मैं आप सभी को रेट और मॉडल बताऊँगा। बाकी उससे पहले मैं आप सभी से बता दूँ तो अभी मैं फ़िलहाल गोपालगंज के आरआर मोड़ के पास हूँ। आरआर मोड़ के पास ही सर का ये शोरूम है आयशर ट्रैक्टर का। बाकी सर से मैं कुछ जानना चाहता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में, सर हमें कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अभी तो ठीक हैं। अति हमारे यहाँ कई मॉडल की गाड़ियाँ हैं, आयशर में बहुत मॉडल की गाड़ी है जी सर। जैसे 25 हॉर्सपावर का 2x2 जी, अच्छा 551 557 380 ये सभी गाड़ियाँ हैं हमारे पास जी, है ना। सब का दाम अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। एक हॉर्स से लेकर और 3 हॉर्स तक का हमारे पास गाड़ियाँ हैं, है ना। सब का दाम अलग अलग है। ओके दोस्तों मैं आप सभी से बता दूं तो अभी मैं फ़िलहाल सर के शोरूम में अचानक से विजिट कर लिया, और यहाँ पे शोरूम थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रैक्टर अभी हाजिर है। बाकी आपको आयशर में किसी भी वेरिएंट का कोई भी ट्रैक्टर लेना है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ट्रैक्टर देखने वाले हैं 380 आयशर का देखने वाले हैं। बाकी इसका मैं थोड़ा सा आपको फीचर बताऊंगा, और मैं आप सबसे ये बता दूं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्टर तो हर एक वो ट्रैक्टर मिल जाएंगे आयशर में जो भी ट्रैक्टर चाहिए। अभी जो ट्रैक्टर है सब ट्रैक्टर कुछ ट्रैक्टर यार्ड में लगे हैं, जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो शोरूम में ट्रैक्टर है मैं वही ट्रैक्टर आप सबको दिखाने वाला हूँ। अच्छा सर थोड़ा सा आप हमें ये बताएं ना, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सर अगर ट्रैक्टर लेना हो, आयशर ट्रैक्टर लेना हो तो सर गोपालगंज में ये तो आपका शोरूम है, तो बाकी गोपालगंज में आना कहाँ पे होगा सर उन लोगों को ट्रैक्टर लेने के लिए? अभी गोपालगंज से पूर्व साइड में आरआर चौक है, आरआर चौक के बगल में ही है, नियर आरआर चौक ही है, आरआर जगह का नाम है। मैं थोड़ा सा कैमरा पर्सन से बोलूँगा, थोड़ा सा बात दिखाएं। एनएच से सटे हुए है, है ना, एनएच उत्तर साइड में है वो। मतलब अगर बात करें तो जैसे कि दोस्तों आपको आरआर ओवर ब्रिज पे आप जैसे ही चढ़ते हैं और ओवर ब्रिज से अगर आप उतरते हैं तो सामने में ही आपको ये शोरूम देखने को मिल जाएगा जी। पूरब साइड में आपको ये शोरूम देखने को मिल जाएगा, बाकी ये रोड आपको मुजफ्फरपुर और मोहम्मदपुर चली जाएगी। थोड़ा सा दिखा दे एक बार, इधर कैमरा पर्सन बोलूँगा, ये देख सकते हैं। और आप मुजफ्फरपुर से आते हैं तो जैसे ही आप आरआर मोड़ पे चढ़ते हैं ओवर ब्रिज पे, ओवर ब्रिज चढ़ते ही आपको सामने में सर का ये आयशर ट्रैक्टर शोरूम का बोर्ड देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर भी मिल जाएगा। अच्छा सर थोड़ा आप इस समय ट्रैक्टर के बारे में बताएं कि सर इस ट्रैक्टर में क्या कुछ बेसिक फीचर हैं? बेसिक फीचर ये है कि हमारा पहला नंबर कि हमारे सब गाड़ियों से तेल की खपत इसमें कम है। क्या माइलेज है सर इसका? इसका माइलेज है आपको घंटे पर माइलेज होता है, ऐसे 380 का माइलेज है वो 2.5 लीटर घंटा, है ना। 2x2 का माइलेज है 1.5 लीटर घंटा, है ना। इसी तरह 3 लीटर घंटा है 551 का, और 3.5 लीटर घंटा है वो 557 का इस। हाँ अच्छा सर आपके यहाँ मतलब जो भी आयशर का जितना भी वेरिएंट ट्रैक्टर कोई किसान लोग लेना चाहिए वो हर एक वेरिएंट का ट्रैक्टर सर आपके यहाँ मौजूद है? हाँ सब मौजूद है सर। इसमें मिनी ट्रैक्टर आता है? मिनी ट्रैक्टर सर इसमें आता है? मिनी ट्रैक्टर नहीं आता है, मिनी पावर का आता है। हाँ ये छोटा दिखने में लगता है वो, आई बड़ा दिखने में लगेगा। एक सिलेंडर की गाड़ियाँ 2500 का होता है, है ना। वो भी गाड़ी सर आपके यहाँ मिल जाएगी? हाँ वो भी गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा सर एक सिलेंडर की गाड़ियाँ हमारे यहाँ पहली बार ऐसा है कि एक सिलेंडर की गाड़ियाँ भी लोडर चलाती है। लोडर चलाती है? हाँ सर। कितना लोड लेके चल सकती है एक सिलेंडर? 40 क्विंटल तक लेके चल सकती है। अच्छा सर थोड़ा सा आप हमें फाइनेंस के भी बारे में बताएं कि सर आपके यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? हाँ हमारे यहाँ बहुत से फाइनेंस है, HDFC है, चोला है,
टीवीएस है, कई फाइनेंस है, बहुत सारे फाइनेंस सर के यहाँ उपलब्ध है, मतलब आप जिससे संतुष्ट हो के चाहे तो सर से फाइनेंस करा सकते हैं। बाकी मैं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को दिखाने के मेरा मकसद बस यही है, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को सऊदी अरबिया से भी देखते हैं और कमेंट करते रहते हैं कि शिवम भाई आप ट्रैक्टर शोरूम का एजेंसी का वीडियो बनाए, साथ साथ सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी दिखाएं। तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर तो मैं आप सभी को दिखाता रहता हूं और इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि भाई मैं शोरूम में लेकर पहुंचा हूं, तो शोरूम में हम लोग देख ही देते हैं 380 जो ट्रैक्टर है। अगर किसान लोग आप लोग इस ट्रैक्टर को लेना चाहते हैं तो आपको क्या रेट में पड़ जाएगा ये ट्रैक्टर, बाकी कितना देकर अभी फिलहाल में आप इस ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं। सर थोड़ा सा आप बताएंगे सर इस ट्रैक्टर का ऑनर प्राइस अभी क्या पड़ेगा? ये 7,30,000 की है गाड़ी, हाँ इसके 7 मंथ सेट में हल गाड़ी हल हुड हिच पार्टी ग्रीस गन रिंच रजिस्ट्रेशन मैंने गाड़ी का पेपर तक सब इंक्लूड है इसमें, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, अलग से नहीं लगेगा। हाँ हाँ, बाकी सर अगर हम बात करें सर तो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं सर तो आप यहाँ से अगर इस ट्रैक्टर को ले जाना चाहते हैं तो बाकी उनको लोन कितना अभी देना पड़ेगा? अभी 1,30,000 से लेकर 1,25,000 रुपये उनको देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी का लोन हो जाएगा। मतलब 1,30,000 रुपये देते हैं तो दोस्तों आप इस ट्रैक्टर को अपने घर ले जा सकते हैं, बाकी का दोस्तों आपको पूरा पैसा लोन हो जाएगा। और मैंने दोस्तों आप सभी को इस ट्रैक्टर को बारे में थोड़ा सा दिखाया भी है और ये देख सकते हैं ट्रैक्टर में आपको बहुत सारे बेसिक फीचर भी मिल जाएंगी। और बात करें तो दोस्तों अगर आयसर का जो भी वेरिएंट आपको ट्रैक्टर चाहिए वो ट्रैक्टर इस शोरूम में आपको मिल जाएंगी। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पे एक ही ट्रैक्टर था जो कि मैंने दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया और दोस्तों मैं आपसे इसे माफ़ी भी चाहूँगा, कुछ हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर नाराज़ होंगे कि शिवम भाई आप सब ट्रैक्टर नहीं दिखाएँ, 380 केवल दिखाएँ। तो बाकी जब भी यहाँ पे शोरूम में जो यार्ड से जैसे ही गाड़ी बाहर आएंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। और बाकी यहाँ पे कुछ ऑफ़र वगैरह अभी नहीं चल रहा है, सर बता रहे कि ऑफ़र भी आने वाला है, तो ऑफ़र जैसे जैसे दोस्तों आएगा इस चैनल पे आप सभी को हमारे इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी इससे पहले चैनल पे जो व्यूवर्स नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सभी को हमारे चैनल पर ऐसे ही सेकेंड हैंड गाड़ियों का और न्यू गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलता रहता है। बाकी सर आप हमारे व्यूअर्स को और कुछ बताना चाहेंगे? बताना ही चाहते हैं कि हम एक्सचेंज भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, पुरानी गाड़ियों को कीमत लगा कर ले लेते हैं और नई गाड़ियां उनको दे देते हैं, नई गाड़ी दे देते हैं जी। मतलब दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी गाड़ी है तो आप चाहे तो यहाँ पे वो गाड़ी लेकर आप जमा कर और न्यू गाड़ी ले जा सकते हैं। बाकी जो आपका पुराना गाड़ी होगा उसका रेट लगेगा, जितना रेट होगा उसमें इसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जी। और बस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने अपना कीमती समय देकर हमारे व्यूअर्स लोगों को इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं और आगे अगर आपके शोरूम में कोई भी ऑफर आता है तो मैं अपने व्यूअर्स लोग से ज़रूर वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही और आप सभी से मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।